हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक न्यू टॉपिक दैट इज सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। तो पहला क्वेश्चन आता है कि सेल डिवीजन है क्या। अब आप वी नो दैट सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स यानी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है दे स्टार्ट देयर लाइफ विद अ सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट। इजंट इट अमेजिंग, एक सिंगल सेल से लाइफ स्टार्ट होती है। अब इस जाइगोट से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनते कैसे हैं? ऑफ कोर्स बाय सेल डिवीजन। सो व्हेन अ सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स, दिस इज व्हाट सेल डिवीजन इज। इट्स सिंपल? नो, हम डिटेल में करेंगे, लेकिन इट इज़ जस्ट एज एन इंट्रोडक्शन कि जाइगोट से जब डेवलपमेंट होती है सेल डिवीजन इज द बेसिक। एक और ख़ास बात, एक कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, ओमनी सेल्यूला सेल्यूला। इट मीन्स ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी पिछला सेल होगा तभी नया सेल डिवाइड होगा, यानी लाइफ लैब में क्रिएट नहीं होती है। राइट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सेल डिवाइड होते क्यों है? Why do we need that cells should divide? Now cells divide for growth. जैसे कि अभी आपको हमने बताया कि एक जाइगोट से जब न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है that is for the growth. तो सेल जब डिवाइड होगा 1 to 2, 2 to 4, 4 to 8 इस तरीके से एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। राइट, सेकेंड इज द सेल्स डिवाइड फॉर द रिपेयर ऑफ द ओल्ड worn out cells. किसकी रिपेयर होती है? फॉर एग्जाम्पल, हमें चोट लग गई। अब चोट लग के जब हमारी स्किन उतरती है न्यू सेल्स आते हैं। ब्लड सेल्स में देखिए RBCs हर 120 डेज के बाद रिन्यू होते हैं। सो रिन्यूअल ऑफ द ओल्ड worn out सेल्स एंड फॉर द रिपेयर ऑफ द ओल्ड सेल्स जिसमें टिश्यू डैमेज हो जाता है, दैट इज़ फॉर दैट न्यू सेल्स आर टू अराइज, सो दैट इज़ फॉर रिपेयर। नेक्स्ट इज़ जो सेल्स डिवाइड होते हैं फॉर रिप्रोडक्शन ऑल्सो। अब रिप्रोडक्शन में दो चीज़ें आती है, इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड यूग्लिना बैक्टीरिया, एक सेल से दो सेल बनते हैं। एक सेल से दो सेल बनते हैं, तो उनके लिए सेल डिवीजन उनका एक रिप्रोडक्शन का ही जरिया हो गया। बट फॉर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए जो गैमीट्स बनते हैं, गैमीट्स मीन्स इन केस ऑफ मेल इफ़ इट इज़ स्पर्म, ह्यूमन बींग्स की बात कर रही हूँ, एंड इन केस ऑफ फीमेल इट इज़ ओवा, यानी दीज आर द गैमेट्स। और गैमेट्स हमेशा प्रोड्यूस होंगे सेल डिवीजन से। कौन सी सेल डिवीजन से, दिस वी विल थोड़ा सा आगे चलकर हम आपको बताएंगे। सो रिप्रोडक्शन के लिए भी सेल डिवीजन इम्पॉर्टेंट है। सो टू कंक्लूड, द सेल्स डिवाइड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स एंड इट इज दे ऑल्सो डिवाइड फॉर द रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द ओल्ड worn out सेल्स एंड फॉर रिप्रोडक्शन एज वेल। और अगला टॉपिक हमारे पास आता है कि सेल साइकिल के डिफरेंट स्टेजेस क्या है। तो सेल साइकिल क्या है? इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, यानी इसके अंदर कुछ प्रोसेसेस चलते हैं, कुछ इवेंट्स चलते हैं बिफोर द सेल प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर सेल डिवीजन। राइट, सो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स फॉर विच सेल प्रिपेयर्स इटसेल्फ, अपने आप को प्रिपेयर करेगा। और किस चीज़ के लिए प्रिपेयर करेगा? फॉर सेल डिवीजन। किस चीज़ के लिए प्रिपेयर करेगा? फॉर सेल डिवीजन। सो दिस सीक्वेंस इज नोन एज द सेल साइकिल। सो बिफोर इट एंटर्स द माइटोटिक डिवीजन। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि माइटोसिस है क्या? माइटोसिस इज अ काइंड ऑफ सेल डिवीजन जिसमें कि एक सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स। तो जैसे ही वो डिवाइड होता है, अभी बहुत छोटे छोटे डॉटर सेल्स हैं, अब व्हेन दे विल प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर द न्यू सेल डिवीजन, सो दैट सीक्वेंस दैट इज नोन एज सेल साइकिल। और इस साइकिल का, सेल साइकिल का सबसे पहला फेज है दैट इज द G1 फेज। इसको हम गैप 1 भी कहते हैं और इसको ग्रोथ 1 फेज भी कहते हैं। दैट इज गैप 1 और ग्रोथ वन, और इसका एक और नाम भी है दैट इज पोस्ट माइटोटिक डिविजन। पोस्ट मीन्स जस्ट आफ्टर माइटोसिस, तो ये पोस्ट माइटोटिक डिवीजन भी है। तो इस पोस्ट माइटोटिक और गैप वन में क्या होता है, सेल्स अभी छोटे छोटे हैं, न्यूक्लियस भी छोटा है, साइटोप्लाज्म भी थोड़ा है, सो नाउ सेल नीड्स टू इंक्रीज इट्स कंटेंट। और इंक्रीज कंटेंट करने के लिए क्या कहेंगे, इट ग्रोज इन साइज, यानी इट हेल्प्स, यानी इसके अंदर इंक्रीज इन सेल कंटेंट। और सेल कंटेंट क्या है, देयर इज द प्रोडक्शन और देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स और आरएनए। और प्रोटीन्स भी कौन से, हिस्टोन्स। हिस्टोन्स स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन जिसमें कि डीएनए बनता है। सो प्रोटीन्स बनेंगे, आरएनए बनेंगे, डीएनए नहीं बनेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डीएनए को बनाने के लिए, रेप्लिकेट करने के लिए जो मटेरियल चाहिए, उस मटेरियल के कंटेंट को इंक्रीज करना ही दिस इज़ द फंक्शन ऑफ G1 फेज। दैट्स क्लियर। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है दैट इज़ द S फेज, यानी सिंथेसिस फेज। नाउ कम्स S फेज, और इस S फेज को हम क्या कहते हैं, सिंथेसिस फेज। The term is synthesis. Synthesis means कि कोई चीज़ नहीं प्रोड्यूस हो रही है। और इस फेज में क्या होता है, DNA replicates. And I would like to make it clear the word replication. Replication का एक्चुअल मतलब होता है डुप्लीकेट करना, यानी अपनी जैसी एक और कॉपी बनाना। कौन बनाएगा, DNA। और DNA जब रेप्लिकेट करता है, उसको जो मटेरियल किसने प्रोवाइड किया था, इस G1 फेज में RNA और हिस्टोन्स बने थे। इन चीज़ों को यूज़ करके ही DNA रेप्लिकेट होता है। याद रखना, देयर इज़ नो DNA रेप्लिकेशन इन G1 फेज। DNA रेप्लिकेशन ओनली इन S फेज, दैट इज़ अ सिंथेसिस फेज। इसके बाद क्या होता है, सिंथेसिस फेज के बाद आर नेक्स्ट फेज इज़ G2 फेज। और G2 फेज इज़ ऑल्सो नोन एज गैप 2 फेज और ग्रोथ 2 फेज, बिकॉज ग्रोथ और गैप से ही सिंबल हम ले रहे हैं, दैट इज़ G2 फेज। इसके अंदर क्या होगा, सेम चीज़ें, प्रोटीन्स एंड आरएनए सिंथेसिस कंटिन्यूज। प्लीज़ माइंड, आरएनए सिंथेसिस को इसके साथ कंफ्यूज मत करना। आरएनए और प्रोटीन की प्रोडक्शन हो रही है, उसके कंटेंट में इंक्रीज हो रहा है। सो दिस इज़ द, अगेन यू कैन से प्रोटीन and RNA are increased in their content, in their quantity। और इसमें सेल थोड़ा सा और बड़ा होता है, इट ग्रोज इन साइज, और अपने आप को ये प्रिपेयर करेगा किस चीज़ के लिए, फॉर टू एंटर इनटू द माइटोटिक फेज। और माइटोटिक फेज किसको बोलते हैं, माइटोटिक फेज इज द, इट ऑल्सो नोन एज M1 फेज। सो दिस स्टेज इज नोन एज द सेल डिवाइडिंग स्टेज। ये क्या है आपकी, सेल डिवाइडिंग स्टेज। और सेल डिवाइडिंग स्टेज इज माइटोसिस। सो ऑल दिस सीरीज ऑफ इवेंट्स जिसमें कि सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है बिफोर एंटरिंग द माइटोसिस फेज, सेल डिवीजन फेज। सो दिस ऑल सीरीज इज नोन एज द सेल साइकिल। अब इन सारे इवेंट्स को एक डायग्रामेटिक फॉर्म में किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेट्स सी। सो इन इवेंट्स को एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इसकी हम कैसे करेंगे। नाउ दिस इज द माइटोटिक डिवीजन, M1 फेज। 1 नहीं लिखेंगे, जस्ट M फेज। जब इसमें एक सेल, यानी 1 सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स, 1 डॉटर सेल, अनदर डॉटर सेल। और इसमें क्या होगा कि ये पोस्ट माइटोटिक फेज में नाउ द सेल एंटर्स इनटू द G1 फेज। G1 फेज आपको क्या बताया था, दैट इज़ द, जिसमें कि सेल कंटेंट इंक्रीज होता है। वी कैन राइट इट हियर इन अ शॉर्ट फॉर्म दैट RNA एंड हिस्टोन्स, यानी अ काइंड ऑफ प्रोटीन, इंक्रीजेस, दैट इज अ G1 फेज। और इसमें एक और ख़ास बात होती है कि हर सेल जीवन फेज में एंटर करे, ये कोई ज़रूरी नहीं होता, बिकॉज सम सेल्स दे स्टॉप डिवाइडिंग, वो दोबारा डिवाइड नहीं होना चाहते हैं और वो एक परमानेंट सेल की फॉर्म ले लेते हैं, और इस तरीके से उसमें से कुछ सेल एंटर कर जाएंगे G0 फेज में, यानी दे बिकम परमानेंट। लेकिन कुछ सेल्स जिन्होंने डिवाइड होना है, सो दे विल प्रिपेयर देमसेल्व्स, दे विल इंक्रीज देयर RNA, हिस्टोन्स एंड अदर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, और उसके बाद आपका G1 फेज के बाद आपका आता है दैट इज़ द S फेज, और S फेज को हम क्या बोलते हैं, सिंथेसिस फेज, और इसमें मेन इवेंट क्या है, दैट इज़ द DNA रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, यानी जो आपका जेनेटिक कंटेंट है, क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स किसका बना है, DNA का, वो अपनी एक डबल कॉपी बनाता है क्योंकि उसने माइटोसिस में एंटर करना है। एंड व्हाट इज़ माइटोसिस, एक सेल के दो डॉटर सेल बनने, तो अपनी एक डबल कॉपी बनाएगा DNA, और एक कॉपी एक डॉटर सेल में और दूसरी कॉपी दूसरे डॉटर सेल में, एंड दिस इज़ व्हाट माइटोसिस इज़। ये अभी हम डिटेल में करेंगे। सो DNA replication takes place in S phase, that is why it is known as synthesis phase, right? And after this stage, now the cell enter another phase, और इस phase को हम बोलते हैं gap 2 phase, यानी G2 phase भी कहते हैं। लेकिन since ये stage जो है, इसके immediately बाद mitosis होगा, और mitosis यानी the cell will enter the mitotic division, इसलिए इस स्टेज को हम प्री माइटोटिक भी कहते हैं। प्री मीन्स पहले, प्री माइटोटिक फेज, और इसके अंदर क्या होगा, सेम टाइप की ग्रोथ, यानी RNA एंड हिस्टोन्स दे कंटिन्यू टू इंक्रीज देयर कंटेंट, और सेल का थोड़ा साइज बड़ा होता है, साइटोप्लाज्म में उसका वाटर कंटेंट, सॉल्ट, सारे कंटेंट, इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, यानी सेल ग्रोज इन साइज, एंड नाउ इट इज़ ऑलमोस्ट रेडी टू एंटर द M फेज, दैट इज़ द माइटोटिक फेज, दैट इज़ द माइटोटिक फेज ऑफ सेल डिवीजन। और माइटोटिक फेज में क्या होगा, इसके डिफरेंट स्टेजेस हैं, दिस यू कैन फिल इन, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फिलिंग इन आई विल टेल यू कि माइटोसिस की स्टेजेस कितनी होती हैं। लेकिन बिफोर दैट इसको हम थोड़ा सा रैप अप कर ले इस सेल साइकिल को, कि ये वाली जो तीन स्टेजेस हैं, G1 फेज, देन सिंथेसिस फेज एंड गैप 2 फेज, इन तीनों फेजेस में सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है फॉर सेल डिवीजन टू एंटर दिस स्टेज। तो इस प्रेपरेटरी फेज को हम कहते हैं इंटरफेज। एंड इंटरफेस इज़ दैट फेस जिसमें कि सेल डिवाइड नहीं होता, इसलिए इस स्टेज को हम बोलते हैं नॉन डिवाइडिंग फेस, नॉन डिवाइडिंग फेज ऑफ द सेल, जिसमें कि सेल सिर्फ अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, दैट इज़ इंटरफेस। नाउ आफ्टर इंटरफेस द सेल एंटर्स द सेल डिवाइडिंग फेस, सेल डिवाइडिंग फेस इन विच द सेल एक्चुअली divides, right? And that is the M phase, that is mitotic phase. Now this interphase and mitotic phase collectively is known as the cell cycle. Is it clear? लेकिन जब जैसे इस phase में enter करता है, उस एंट्री के बाद तो सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। सेल की डिवीजन को हम सेल साइकिल नहीं कहते, एंट्री से पहले, जैसे एंटर कर गया, और ये सारे प्रेपरेटरी फेज, दिस ऑल 4 स्टेजेस इज नोन एज सेल साइकिल। सो क्विकली जो कि हम माइटोसिस डिटेल में करेंगे, लेकिन माइटोसिस इज़ अ सेल डिवीजन विच इज़ इक्वेशनल डिवीजन, और उसकी 4 स्टेजेस होती हैं, और 4 स्टेजेस कौन सी है, प्रोफेज, और प्रोफेज के बाद नेक्स्ट स्टेज है आपके पास, दैट इज़ द मेटाफेज, और मेटाफेज के बाद एनाफेज, और एनाफेज के बाद टेलोफेज। क्योंकि क्लास में जब हम करते हैं, हम जब पूरी माइटोसिस कंप्लीट डिस्कस कर लेते हैं, देन वी कम टू फिल इन। जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन ऑफ डायग्राम आई हैव रिटन दीज स्टेजेस, एंड डेफिनेटली इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस माइटोसिस इन डिटेल। right? So thank you. That was all regarding the cell cycle, and do wait for the next video. And thank you.